वो किरदार जो कहानी से भागा था कुछ चोरी की कविताएं लिए था, उसके पास दिखावे का मुखौटा नहीं, सुना है फिर कभी वो अपने शहर लौटा नहीं। उसके सितारे उसकी तरफ रास्ता तय कर रहे थे, नए शहर के भी लोग उसके सवालों से भय कर रहे थे। मुझे यकीन है उसके सामने अलग सा रास्ता रहा होगा, उसके पास सपनों से एक भरा बस्ता रहा होगा, पर उसने सपनों को रफू कर रखा था लाल धागे से जो उसकी आंखों में दिखाई देते थे। उसकी उबड़ खाबड़ पसलियों में थी बातें जो उसको सोख रही थी, उसके बिखरे हुए बालों में थी कुछ व्यथाएं जो उसको लौटने से रोक रही थी। ये बातें कुछ भी हो सकती हैं, शायद ये बातें उसके मिट्टी के चूल्हे पर उसके मिट्टी के चूल्हे या उस पर की लकड़ियाँ हों, या फिर वो दरारी दीवार और उसकी पपड़ियाँ हों, शायद बाप से बिगड़ते हुए रिश्ते हों, या फिर किसी पुरानी लोन की किस्तें हों, पुराने शहर की कोई रवायत उसे खटकती हो या फिर उसकी छत टपकती हो। तुम्हें इन बातों से मतलब नहीं होगा, पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि कब वो किरदार नींद से जागा होगा, कब वो किरदार कहानी छोड़कर भागा होगा। ऐसा तब हुआ होगा जब वो अपनी ही कहानी में अपने हिस्से का प्रार्थी बन गया होगा, इसी क्रम में वो स्वार्थी बन गया होगा। स्वार्थी होना तो शुरुआत है विद्रोही होने की, विद्रोही होना शुरुआत है निर्मोही होने की। निर्मोही होने से पहले तू और मैं की उहापोह है, फिर याद आता है कि मैं ही सबसे बड़ा मोह है, पर इस मोह से कुछ भी छोटा नहीं, इसलिए वो फिर कभी अपने शहर लौटा नहीं। थैंक यू सर।